मैक्सिमम बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं वो तैयारी को एक स्प्रिंट की तरह लेते हैं कि हम कस के दौड़ेंगे, 100 मीटर की रेस है, जीतना है। बट डाउन द लाइन दे अंडरस्टैंड इट्स ए मैराथन, तो थोड़ा स्टेमिना मैटर करेगा, थकना भी मैटर करेगा, फिर से खड़े होके फिर दौड़ना मैटर करेगा कुछ। बट मुझे लगता है कि कुछ कविताएं जो होती हैं वो बच्चों के साथ रेजोनेट कर पाती है, उनकी फीलिंग्स के साथ में। मैं कल ही एक बच्चे से बात कर रहा था, मैं उसको सब सही बोल रहा था, वो कर भी सब सही रहा है, एक चीज है, बच्चे को ना सेल्फ वर्थ पता हो ना हो, सेल्फ डाउट से जरूर आता है। उसे लगता है कि यार ये कैसे होगा, चाहे वो आईआईटी की बात करे या अपने नेक्स्ट टारगेट की बात करे, वो कैसे होगा। तो छोटी सी कुछ लाइंस हैं जो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में गूंज रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो बच्चों तक शेयर करूँ। तैयारी में जुनून होना चाहिए, कर्म के बाद ही सुकून होना चाहिए, उससे पहले नहीं। जहाँ कर्म है, एक्शंस ऑलवेज रिप्लेस डाउट। आपको जितनी बार भी अपने पे डाउट आए ना, पेन उठाइए, भिड़ जाइए, वो डाउट चला जाएगा। आप जितनी देर ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, डाउट्स के क्लाउड्स डार्कर होते रहेंगे। आप पेन उठा के एक स्ट्रेटजी के साथ भिड़ जाएंगे और दूर चले जाएंगे। एक कविता जो मुझे बहुत हेल्प करती है, जब भी मैं इस चीज को लिखता हूँ या दोबारा सुनता हूँ, तो थोड़ा सा मुझे अजीब सा एक सुकून मिलता है। और ये शायद हर उस बंदे के काम आएगी जो तैयारी कर रहा है। ठोकर मार पटक मत माथा, ठोकर मार पटक मत माथा, ये हिंदी की एक सिंपल सी कविता है। ठोकर मार मीन्स डू एफर्ट्स, आप एफर्ट डालिए। पटक मत माथा, माथा पीटना हमारे यहाँ बोला जाता है कि आदमी दुख मना रहा है कि मेरा ये छूट गया, पीछे ये मैंने गड़बड़ कर दी। तो मैं फिर बोलता हूँ, ठोकर मार पटक मत माथा, जहाँ एफर्ट डालना है, राइट डायरेक्शन टीचर डेली आपसे बताता है क्या करना है, एफर्ट डालिए। ठोकर मार पटक मत माथा, पत्थरों पे पत्थर मार, मतलब कोई भी एफर्ट डालिए, पत्थरों पे पत्थर मार, जो उस समय आपको फ्यूटल एफर्ट लग रहे होंगे कि फॉर्मूला लिस्ट क्यों बनानी है, रिविजन क्यों करना है। ठोकर मार पटक मत माथा, पत्थरों पे पत्थर मार, चिंगारी उठेगी। चिंगारी, ये वही चिंगारी में स्पार्क, ये वही स्पार्क आपको चाहिए जो आपको जिंदा रखता है तैयारी के हिसाब से। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ठोकर मार पटक मत माथा, पत्थरों पे पत्थर मार, चिंगारी उठेगी। वो एक चिंगारी एक क्षण को प्राण बनाएगी, मीन्स दैट वन डोज ऑफ लिटिल मैडनेस, लिटिल एक्शन, वो आपको लाइवली बनाएगी। और वो जो जो भी एक्शन आप उस समय करेंगे ना, वो एक चिंगारी उस एक क्षण, मतलब उस एफिमरल टाइम को, इट विल मेक इट कि वो आपकी लाइफ का इम्पोर्टेंट टाइम रहे। वो एक चिंगारी एक क्षण को प्राण बनाएगी, और जो आप उसमें आपकी जो पूरी नींद में डूबी हुई बस्ती, मतलब आपका जो पूरा जो आपके साथ जो हजारों डाउट्स रहते हैं ना, वो सब जाग जाएंगे। मैं इसको, इस कविता को अभी एक फ्लो में बोलता हूँ, शायद आप लोग ये समझ पाए। हर तैयारी करने वाले बच्चे के साथ में ना 100 ब्लैक शेडोज चलती हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सेल्फ डाउट्स। ठोकर मार पटक मत माथा, ठोकर मार पटक मत माथा, पत्थरों पे पत्थर मार, चिंगारी उठेगी। वो एक चिंगारी एक क्षण को प्राण बनाएगी, नींद में डूबी हुई बस्ती जगेगी। ठोकर मार पटक मत माथा, पत्थरों पे पत्थर मार, चिंगारी उठेगी।